स्पीड ब्रेकर से ठोक दिया उसने, स्पीड ब्रेकर पे लाके ठोक दिया, बच गया हो तो हमको जेल हो जाती। ये स्टील बॉडी है, 72 उम्र में अभी शिरडी के लिए निकले। तो दोस्तों ये गांव का नेचर है। हाय दोस्तों, कैसे हो? जो हमने बोला था पूरे 300 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हैं, मुंबई टू शिरडी, ये ट्रिप है आज की। और आज 10 तारीख है, ठीक शाम के ठीक 9 बजे है अभी, और यहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है। फटाफट अभी हम पहले रेडी हो जाते हैं, और यहाँ से दो गाड़ी की जर्नी है। एक हमारी गाड़ी है 5536 और दूसरी है हमारी बालू भाई की गाड़ी, दोनों माजीवाड़ा जंक्शन पे अटैच होगी और वहां से हमारी ये जर्नी शुरू होने वाली है। अभी हमने जो बताया था कि गाड़ी में जनरल चेकअप करना चाहिए, जनरल चेकअप हमारा हो गया दोपहर में ही, और दोपहर में हमने गाड़ी का जो जनरल चेकअप, ब्रेक वायर, क्लच वायर, जो अपना डिफ्रेंशियल था, डिफ्रेंशियल का ऑयल भी थोड़ा अपना गाढ़ा हो गया था, आवाज कर रही थी गाड़ी, तो वो भी हमने चेंज कर लिया है। और गाड़ी हमारी पूरी तरह से रेडी है, पूरे 300 किलोमीटर की ये जर्नी है। तो भाइयों फटाफट अभी रेडी होते और निकलते अपने जर्नी के लिए, आइए। दोस्तों ये है अपनी ऑटो सुंदरी, और इसके साथ हम जर्नी करने वाले शिरडी की ओर, और पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले। अपना जो किलोमीटर है गाड़ी का वो भी मैं बताना चाहूंगा अभी, 000। तो ये अपना रेडी है दोस्तों, हमारा एक गाड़ी है हाईवे पे खड़ा है, ये बालू भाई आए है। बालू भाई ये देखो, ये दिवाकर भाई, और ये देखो अंधेरा बहुत है गाड़ी के अंदर, ये मामा है अपने, और साथ में अभी शिरडी के लिए दो गाड़ियां निकल गई है। गुजरात गैस का सीएनजी पंप है, अभी इधर हमने सीएनजी भर लिया अपने गाड़ी में। ये अपनी गाड़ी है, यहाँ पे खड़ी है, और दिवाकर भाई और वो बालू भाई की गाड़ी उधर है, और यहाँ से अभी हम जर्नी करने वाले नासिक की तरफ। और नासिक में भी सीएनजी मिलेगा, ये पड़गा जैसे क्रॉस करते हो आप तो लेफ्ट साइड में आपको सीएनजी का, वज्रेश्वरी रोड पे लेफ्ट लोगे तो एक 600-700 मीटर पे ही ये सीएनजी पंप है, और यहाँ पे आप सीएनजी भर सकते हो, ये 24 आवर्स है, प्लस ये गुजरात गैस का यहाँ पे सस्ता। दोस्तों टाइम हुआ 1 बजे है, और हम आ गए अभी कसारा घाट के नीचे, और ये गाड़ी का ढक्कन ऐसा खुला रखना चाहिए क्योंकि ये इंजन जो है गर्म हो गया है। अभी 100 किलोमीटर समझो अपनी गाड़ी चली है, 100 के 90 के आसपास चली है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको ढक्कन खुला रखना है, आधा घंटा आप चाय पी लो, वॉशरूम जा लो, और यहाँ से फिर आगे की जर्नी करेंगे। नहीं तो फिर ये हमारे दिवाकर भाई है, अगर इंजन फेल हो गया तो भाई क्या हो सकता है, अगर हम गाड़ी ठंडी नहीं करेंगे तो इंजन फेल हो जाएगा आपका, और मैकेनिक नहीं मिलेगी। तो भाई समझ में आया, अगर गाड़ी को ठंडा नहीं किया तो मैकेनिक नहीं मिलने वाला है, और रास्ते में कहीं पे रुकना पड़ेगा, रात का समय है, तो 100 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आप गाड़ी को ठंडा कीजिए। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी भी खड़ी है ये साइड में, और इसका भी पीछे से ढक्कन खुला रखा है, और हमारे साथ में जो है ये बालू भाई है, और ये ओ मामा काय बरं वाटतं की नाही, मजेत एकदम मजेत आहे, मजेत मामाला लागले थंडी, आणि ओ साई थंडी वाजली का नाही, अजिबात नाही, कुठे दिसतंय का स्वेटर अंग, डबल डबल स्वेटर घालून आले आणि थंडी ना वाजली म्हणतो। नाशिक बॉम्बे जो की नाशिक का प्लांट बॉम्बे है, प्लांट है बॉम्ब का प्लांट जिसे बोलते है, वहां पे आ गए, ठंडी बहुत लग रही है, हमने जैकेट डाल लिया है, गाड़ी 80 के 90 की स्पीड में लाया हूँ भाई, कपकपी में अभी जैकेट डाला हूँ, अब इसके बाद जरा गाड़ी ठंडी करेंगे थोड़ी, उसके बाद फिर निकलेंगे शिरडी के लिए। और अभी ये नासिक का सीएनजी पंप है, 24 आवर्स ऑनलाइन पंप है, और यहाँ पे हमारी पहली गाड़ी वो साइड में भर रही है साई भाई की, और इधर हमारी गाड़ी भर रही है, अभी फिर आगे जाके थोड़ा रुकेंगे पंप पे, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हम आगे की जर्नी करने वाले। भाई साहब एक पालकी में तो दोस्तों अभी हमने टोल छोड़ा है पीछे, जो सिन्नर की तरफ जाते हैं, ये अपने दिवाकर भाई है, साई भाई है, और अपने मामा है जो येऊर हिल्स पे रहते हैं, लेकिन हिल्स पे जितनी ठंडी नहीं है उतनी ठंडी उन्हें रास्ते में ही लग गई है, और यहाँ पे गरम गरम चाय, अभी ये दूसरा चाय चल रहा है, दो चाय मारने के बाद ही जरा जोश आ जाएगा गाड़ी चलाने के लिए। दिवाकर भाई कैसा लगा इधर जर्नी करते वक्त? एकदम एक नंबर लगा भाई, मजा आया ना, मजा एकदम के। तो साई भाई को मुझे, साई भाई कैसा लगा ये जर्नी, आपको याद रहेगी ना? मामा काय म्हणताय? तो चाय भी बहुत कड़क है एकदम, पहले गरम नहीं थी, और दूसरी मिली तो इतनी गरम मिली कि जल गया चाय, मालूम है। तो यहाँ से अभी 55 किलोमीटर की रन है, और इसके बाद सीएनजी जो है हमने भर के वहाँ से निकले, तो
वहाँ रुकने वाले थे, लेकिन वहाँ पे चाय के लिए हमें साई भाई ने बोला कि आगे रुक दो, क्योंकि वहाँ पे सीएनजी पंप है और उसका बहुत स्मेल आ रहा था। वो सीएनजी स्टेशन है जहाँ पे सीएनजी पंप होता है, और वहाँ से गाड़ियों में भर के दूसरे पंपों की तरह निकल जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी वही से होता है। तो वो गाड़ी भरने के लिए लगाए थे और उसका जो सीएनजी का स्मेल इतना गंदा आ रहा था, वो हमारे दिवाकर भाई तो वहाँ पे डर गए, बोलते हैं कि भाई उधर सीएनजी के पास खड़ा मत रहो, फट जाएगा। फट नहीं जाएगा, ठंडे हो जाओगे और आप चिल हो जाओगे, बर्फ बन जाओगे, जिससे कश्मीर में आदमी हो जाता है, कश्मीर में हो जाता है वैसा हो जाओगे। इसलिए वहाँ से निकल गए और टोल क्रॉस करने के बाद यहाँ रुके। गर्म है तो यहाँ से 55 किलोमीटर की रनिंग है, गर्म है निकलते आगे की जर्नी के लिए। दोस्तों देखो, रात का समय है और बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, ओस गिरी है। ओस गिरने के कारण हमें रास्ता भी जो है ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या बताऊँ आपको, चारों पार्किंग लाइट शुरू है हमारी, और रास्ते पे देखो किस प्रकार से मतलब क्या बोलते हैं ना, गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही है ओस के अंदर। और इतनी ठंडी गिरी है, सिन्नर वाला रोड है ये, सिन्नर टू संगम नेर वाला, और यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों पौने 8 हो गए और हम आए थे समनापुर, जो संगमनेर के लिए आपको बोला था कि संगमनेर जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे शिरडी की ओर। तो संगमनेर हम आ गए और 7:45 का टाइम हो चुका है, और ये पीछे मेरे है समनापुर वड़ा पाव चाचा की दुकान, और ये 8:30-9 बजे अभी ठंडी का टाइम है, क्या टाइमिंग है इसका खुलने का पता नहीं है, लेकिन 8:30 बजे ये दुकान खुलती है, इसीलिए सोचा कि चलो देखते हैं, खुल गई होगी तो यहाँ पर वड़ा पाव भी खा लेंगे। और ये हमारे साई भाई और दिवाकर भाई भी हमारे साथ में है। दुख्यात नाली माजी धरनी माय, दुख्यात नाली माजी धरनी माय, पहाट झाली कळ न मधला, अरे पहाट झाली कळ न मधला, नाहली माजी धरनी माय। हां मु आता कसा, एक नंबर। समनापुर वड़ापाव है और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं शिरडी की ओर। तो ये लोनी वाला रोड है, संगमनेर लोनी, ये संगमनेर ये साइड जाता है और ये साइड से लोनी की तरफ, और समनापुर में अभी खड़े हैं, वहाँ पे अपनी ऑटो खड़ी है और यहाँ पे दूसरी गाड़ी खड़ी है। साई भाई है और दिवाकर भाई है और वो हमारे चाचा है जिनको ठंडी लगती है ज्यादा, वो बैठे गाड़ी के अंदर। और मौसम तो भाई क्या बोलूं तुमको यार, एकदम जबरदस्त, सामने की गाड़ी नहीं दिख रही, एकदम स्लो जाना पड़ेगा हमें, ऐसे एकदम धीरे और मंद गति से जाना पड़ेगा। इधर से अंदर से एक शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट वाला सिंगल रोड होने के कारण हमें आराम से ही अपनी ऑटो चलानी पड़ेगी। तो चलो भाइयों निकलते हैं, अभी 8 बज रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं हम शिरडी की ओर। तो देखो ये गांव का नेचर है और कितनी हरियाली और धूप, जो ओस गिरती है ओस का भी इतना असर है पूरा। तो दोस्तों ये गांव का नेचर है, इतनी ठंडी गिरी है और क्या बताओ, ओस ऐसी गिर रही कि सामने की गाड़ी नहीं दिख रही है। हमने हमारा पार्किंग लाइट चालू करके धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अपने साई भाई है उनकी गाड़ी पीछे छूट गई थी और उसमें थोड़ा सा बाइक वाले ने ठोक दिया, बम्पर थोड़ा दब गया है। तो वो हमारे मैकेनिक भाई है, उन्होंने बम्पर खींच के बाहर निकाल लिया है। क्या दिवाकर भाई कैसा ठोका वो बंदा, पीछे से स्पीड ब्रेकर से ठोक दिया उसने, स्पीड ब्रेकर पे लाके ठोक दिया, कंट्रोल नहीं हुआ उससे, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ, डायरेक्ट लाके ठोक दिया। लगा क्या उसको, नहीं लगा, बच गया, बच गया वो। अच्छा, तो हमको जेल हो जाती लगता था उसको, इनको जेल हो जाती। तो भाई चलो आगे की जर्नी करते है, यहाँ से घाट है और घाट चढ़ते चढ़ते जाएंगे। और क्या है ना, मोबाइल है तो हम स्टैंड नहीं है तो लगा नहीं पा रहे सामने कांच की ओर, तो ऐसे ही चल रहे हैं, चलिए आइए। तो दोस्तों फाइनली हम शिरडी आ गए हैं और 9:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ लगी है, बाजू में 48 वाले भी खड़े हैं जो पालकी के साथ आए हैं, ये साइड में भी 2 ऑटो खड़ी है। और यहाँ पे हमने रूम देखा है कि मिलेगा क्या यहाँ पे, ना अभी के फिर दर्शन के लिए जाएंगे। अरे भाई इधर देख, मजा आया कि नहीं, एक नंबर मजा आया। मामा क्या बोल रहे हो, एकदम मजे में, मजे में, मजे में, मामा भी मजे में है। और तो दोस्तों अभी नहा के फ्रेश हो गए और यहाँ से अभी शिरडी के दर्शन करेंगे। अभी टाइम जो हो रहा है 10:01 बाकी है,
तो भाई यहाँ से अभी दर्शन करके फिर निकलेंगे मुंबई की ओर। तो चलिए भाइयों फटाफट फ्रेश तो हो गए, अभी दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करके निकलते हैं घर की ओर। दोस्तों दोपहर के 1:30 बज गए और अभी हम है सीएनजी पंप पे। यहाँ पे सीएनजी हमने भर के अभी गाड़ी लेके निकले हैं। दिवाकर भाई मेरी गाड़ी लेके आगे निकले हैं और मैं साई के साथ गाड़ी में पीछे बैठूंगा, क्योंकि रात भर गाड़ी चलाने के बाद मुझे अभी थोड़ा आ रहा है नींद, तो मैं थोड़ा नींद लूंगा साई के साथ। और पातरडे फाटा पे पहुंचने के बाद मैं अपना गाड़ी लेके बॉम्बे तक रनिंग करने वाला हूँ। तो ये है सीएनजी पंप, यहाँ पे सीएनजी पंप फिर से शुरू हो चुका है। आप अगर शिरडी आते हो तो ये सीएनजी पंप पे आके सीएनजी फुल करा सकते हो। इसका जो टाइमिंग है सुबह 8:30 से इनके पास जब तक गैस रहेगा 10, 11, 12 बजे तक चालू रहता है, या फिर 6 बजे भी बंद हो जाता है अगर गैस नहीं होगा तो। इनके पास गाड़ी की लिमिट है और गाड़ी आती है तभी इनके पास सीएनजी होता है। तो चलो भाइयों, तो दोस्तों ये हमारे बालू भाई है और सीएनजी पंप से अभी हमने गाड़ी बाहर निकाल लिए है। यहाँ से अभी हमारी जर्नी होने वाली है, पूरे 250 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है ठाणे तक। तो देखते हैं अभी आगे सफ़र कैसा होता है। मौसम भी एकदम साफ है, अभी दिन का टाइम में गाड़ी चलाने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो गया, खाना खाने के बाद जब हम लंच करते हैं, लंच के बाद हमें गाड़ी चलाने के लिए सुस्ती आ जाता है। थोड़ा आगे रुक के एक ब्रेक ले लेंगे, चाय पीने के बाद आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है मुंबई की। फाइनली हम आ गए हैं ठाणे। 8:15 का जो टाइम था वो हमारा यहाँ पे पहुंचने का था। 8:15 हमने जर्नी अपना पूरा कर लिया है और घर पे आने के बाद हम फ्रेश हो गए। अभी 8:30 का टाइम हो रहा है। अपने ऑटो ड्राइवर भाई है जिन्होंने अपना चैनल देखा है उनके लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्या है, अपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है जो मुझे फोन करते हैं ब्लॉग देख के कि राजेश भाई आपके ब्लॉग से हम बहुत ही इंप्रेस होते हैं, मोटिवेट होता है अच्छा खासा, और आपकी जो लैंग्वेज बात करने की उससे जो हमें अच्छा लगता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, जितने भी अपने ऑटो ड्राइवर भाई है वो ये बात याद रखें कि अगर मेरे ब्लॉग में से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है उसके ऊपर आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के अपने एरिया से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर तो मेरा आपके पास है 9930823494। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं, और किस टॉपिक पे वीडियो है वो वीडियो मैं देखूंगा और अपने चैनल पे रन करने वाला हूँ। अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों को मोटिवेट करने के लिए और छोटे मोटे बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए अपना चैनल काम कर रहा है। तो दोस्तों आज का जो अपना ब्लॉग था ठाणे टू शिरडी, आज का जो अपना ब्लॉग था वो ब्लॉग के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आज का अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग पूरा हो चुका है और अपने को यहाँ पे जो सीएनजी लगा है वो 1200 रुपए का सीएनजी आपको हमें लगा है, क्योंकि क्या है, हमने पूरी गाड़ी जो है सीएनजी में ही चलाई है। पहला हमने सीएनजी जो पंप मिला था वज्रेश्वरी रोड पे पड़ेगा, जैसे ही आप क्रॉस करते हो लेफ्ट में वज्रेश्वरी रोड के लिए लेफ्ट टर्न दिया है, बोर्ड भी पार्टी भी लगी है वहां पे अंदर एक 200-500 मीटर पे ही वो सीएनजी पंप है लेफ्ट साइड में। तो वहां पे हमने सीएनजी पहला टॉपअप किया। उसके बाद दूसरा सीएनजी जो पंप लगा था हमें वो लगा था नासिक शुरू होने के पहले ही, जहाँ लेफ्ट साइड में जैन टेम्पल है, जैन टेम्पल के थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड में एक सीएनजी पंप है, ऑनलाइन पंप है, वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है भर के जाती है, वहां पे गाड़ी भी लगी थी। तो साई भाई और अपने दिवाकर भाई ने बोला कि राजेश भाई यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी करो, आगे चलेंगे, आगे जाके हम चाय वगैरह पियेंगे। वहां पे एक्चुअली हुआ क्या कि वहां पे सीएनजी स्टेशन है और बहुत जो स्मेल है ना बहुत ही डेंजर स्मेल थी वहाँ की, तो वहाँ पे हम ज़्यादा देर नहीं रुके और वहाँ से निकल गए। नासिक से संगम में जाने वाले रोड पे एक टोल आता है, वो टोल क्रॉस करने के बाद हम आगे रुक गए थे और वहाँ पे हमने चाय वगैरह ली और वहाँ से भी हम तुरंत ही निकल गए जो अपनी गाड़ी में, मतलब जैसे कि वहाँ से हम निकलने के बाद संगम नीर आए, संगम नीर में आते समय हमें जो कोहरा लगा रोड पे इतना डेंजर कोहरा था कि हमें 500 मीटर की गाड़ियाँ भी दिखनी बंद हो गई, फिर और आगे गए तो हमें 200 मीटर की गाड़ियाँ भी दिखनी बंद हो गई, मतलब इतना डेंजर वहाँ पे कोहरा था, ओस गिरी थी। और जैसे ही हम संगम नीर पहुंचे तो संगम नीर में हम 8:30-9 बजे के करीब संगम नीर में आए, तो वहाँ पे भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना, मतलब वहाँ से तो हमारे साई भाई उनकी गाड़ी जो थी उसको एक बाइक वाले ने टक्कर कर ली। समनापुर गए थे, समनापुर वाले से हम शिरडी की तरफ निकले, वो रोड पे हमारे साई भाई की गाड़ी है बम्पर में टक्कर लगा दी, तो बम्पर जो है साइड मरकर जो है उसको वो थोड़ा सा पिचक गया था और हमारे जो दिवाकर भाई है उन्होंने तुरंत उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो वहाँ से फिर हमारी जर्नी शुरू हो गई फिर शिरडी की ओर, और शिरडी में हमने 9:30 बजे अपना टाइम कवर कर लिया और 9:30 बजे के बाद हमने दर्शन वगैरह करके शिरडी से निकलते निकलते हमें 1:15 हो गए थे और 1:30 बजे हमने सीएनजी पंप है जो शिरडी में है उसका भी मैंने जानकारी आपको दे दिया है, वहाँ पे हमने जाके सीएनजी अपनी गाड़ी में लगा लिया। वहाँ से दिवाकर भाई ने मेरा जो ऑटो था वो लिया, उनको बोला था पातरडे फाटा तक, लेकिन हुआ ये कि दिवाकर भाई भी रात भर गाड़ी चला रहे थे तो उनको भी बीच बीच में उन्होंने आराम किया, लेकिन उनको नींद कंट्रोल नहीं हो रही थी। साहिब ने बोला नहीं आप ही चलाओ, तो मैं ठीक है उनको जहाँ तक होगा वो चलाएंगे। तो उन्होंने सिन्नर तक ये गाड़ी चलाया और सिन्नर में जब हम चाय पीने के लिए रुके वहाँ पे, वहाँ से मैंने ये गाड़ी अपनी लेके ऑटो सुंदरी जिसका नाम रखा है हमने सुंदरी, सुंदरी को लेके हम निकले सिन्नर से। तो नासिक पातरडे फाटा से लेने के बाद जो जहाँ पे हमने जाते समय सीएनजी भरा था वहीं पे हमने आते समय भी सीएनजी टॉपअप किया और वहाँ पे पेशर लकीली अच्छा था और
स्टेशन मुझे 2:20 का मिला था, वहां से फिर हमने जो जर्नी की ना 5 सीएनजी भरने के बाद क्या है ना गाड़ी ऐसी चलने लगी, पिकअप विकअप एकदम प्रेशर रहता है, प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी आप सीएनजी भराते हो वहां पे अगर प्रेशर अच्छा आ रहा है तो आपकी गाड़ी जो चलने में है ना हवे से बात करेगी। तो मेरे साथ में जैसे मैं निकला वहां से गाड़ी लेके तो मैं आ गया कसारा घाट की तरफ, थोड़ी सी छपकी आ रही थी तो कसारा घाट के ऊपर ये ढाबा है वहां पे चाय वगैरह पीके वहां से मैंने गाड़ी जो निकाला, क्या बताऊं भाई मैं सीधा थाना आके उठा, बीच में कहीं पे गाड़ी नहीं रुका, इतना मस्त मतलब सफर हो गया। और जो हम ऑयल यूज करते आपको बताना चाहूंगा आज के ब्लॉग के माध्यम से, जो ऑयल का वीडियो मैंने डाला था वो ऑयल के बारे में मैं आज डिटेल भी आपको देना चाहता हूँ कि वो ऑयल हम इसलिए यूज करते हैं कि उसमें फाइन बने। अगर आपको पता नहीं है तो आप ये ऑयल का जो लिंक है मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ये ऑयल की वजह से हमने जो गाड़ी को ठंडा करने के लिए क्या होता है ना, अभी नॉर्मली ऑयल जो आप यूज करते हो ना उससे आप इतना जर्नी नहीं कर सकते हो, लेकिन हम जो ऑयल यूज करते हैं उसके अंदर जो पावर है और जो चलाने का तरीका है ना, जो क्वालिटी है, ये इंडियन ऑयल में जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी की वजह से हमने स्टॉक कहीं पे ज़्यादा देर तक नहीं लिया, कम से कम 10-15 मिनट तक चाय पानी तक का ही हमारा जो टाइम चला गया वही उतना रेस्ट हो गया। 1 घंटा जहाँ पे रुकना चाहिए वहाँ 10-15 मिनट में हम चाय पी के निकल रहे थे और अपना जो जर्नी टाइम है वो भी हमने पूरा किया है। हमारे जो दिवाकर भाई है उन्होंने तो भाई ऑटो क्या चलाया लाजवाब, उन्होंने 80 के स्पीड में जो ऑटो चलाया ना उसका भी कहने लगे, बहुत ही ज़बरदस्त ऑटो चलाते वो और बहुत अच्छा मतलब लगा आज के ट्रिप से। मेरे साथ में जितने भी मेंबर थे, साई भाई थे, दिवाकर भाई थे, हमारे यूर वाले मामा थे, हम लोग सभी ने मिलकर जो जर्नी किया आज का, हमने सभी ने आज जो जर्नी किया आज का तो भाई दिल खुश हो गया। ऐसे ही साथ में जाने से कुछ अच्छा फायदा हो जाता है, अच्छे व्यवहार अपने लोगों से बनने शुरू हो जाते हैं। तो भाई एक बार आप भी अपने दोस्तों के साथ जरूर ऐसा सफर कीजिए, जहाँ पे आपको जाना है तो टीपी लेके जरूर जाना, क्योंकि टीपी हमने लिया था और जाते समय हमें कसारा घाट में भी रोका था, तो वहाँ पे हमने टीपी लेके आने के बाद हमें वहाँ से उन्होंने जाने दिया। तो ये सब बात रहती है, टीपी जरूर लेना भाई, और टीपी के बिना आप लॉन्ग जर्नी बिल्कुल ना कीजिए, टीपी लोगे उसमें आपका बेनिफिट रहेगा, कल कुछ रास्ते में हो गया तो आपको उसका हर्जाना भी मिल सकता है। तो इसीलिए भाइयों टीपी यानी टेम्पोररी परमिट ये लेके ही चाहिए। चलिए भाइयों धन्यवाद आज के ब्लॉग, तो भाइयों धन्यवाद आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, अपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है उनको मोटिवेट करने के लिए और छोटे मोटे बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए अपने चैनल काम कर रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने न्यू ब्लॉग में, आइए।